करना चाहती हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहला बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो रहे थे कि जी कई डॉक्टर सिर्फ लोगों नू पॉजिटिव करा कर करन कारण टेस्ट नू करन दे वास्ते बार बार मजबूर कर रहे ने। उन्हां दी किडनियां निकाल लेती जाती हैंगी, उन्हां दे अंग जेड़े हैं वो कर दिते जाते। इस तरह के बड़े वाहियात तरीके दे मैसेजेस व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे ने। मैं तुहानू अपील करना चाहती हाँ कि कुछ महीना पहला असी इन्हीं कोरोना वॉरियर्स दे इन्हीं डॉक्टरों नू सलाम कर रहे सीगे, इन्हीं डॉक्टरों नू असी सम्मान कर रहे सीगे। ते हुण किन्नी ये माड़ी गल हैगी कि जब ये स्थिति होर बिगड़ रही हैगी, स्थिति नू कंट्रोल करने की लोड़ हैगी, आप दे सहयोग की ज़्यादा लोड़ हैगी। तो इस तरह के वाक्य सामने आ रहे हैंगे कि लोग कुछ गलत अंसरां दे इन्फ्लुएंस कारण, गलत अंसरां दे गलत बयानबाजी कारण इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरी आप सारे नू हाथ जोड़ के बेनती है कि इस तो जिहड़े डॉक्टर्स लगे हुए ने पिछले 8-9 महीनों तो तुहाडी सेवा दे विच जुटे हुए ने, अपने घरां तो दूर ने, बिना किसी छुट्टी के बिना किसी आराम के 24 घंटे तुहाडी सेवा दे विच लगे हुए ने, उन्हां दे मनोबल बहुत ज़्यादा गिर जाता हैगा इन सारी गल्लां नू सुन के। इस करके आप सारे तो बेनती है कि जेकर तुहाडे कोल इस तरह के कोई भी फेक न्यूज़ जां फेक रूमर्स आते हैं जिस दे विच इस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं, तुसी सानू संपर्क करो। असी चाहते हैं कि इस तरह के गलत बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस करोना काल दे विच ये बहुत जरूरी है कि जेड़ी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को दी जाए वह सही तरीके की होए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जेड़ा पैनिक क्रिएट करती हैगी ये लोगों की सेहत तो खिलवाड़ कर रही है। ये लोगों की सेहत में होर ज़्यादा संजीदा असी जिसे कह सकते हैं कि डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रही है। इन फेक न्यूज़ फेक रूमर्स के कारण कई लोग अपना इलाज करवाने सामने नहीं आ रहे, कई लोगों ने लक्षण होने तो बावजूद वो अपना टेस्ट कराने नहीं आ रहे, जबकि सारे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विच ये टेस्ट फ्री दे विच किया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिता जाता, कोई भी प्राइस कोई भी इसके अंदर आपसे अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता है। इस करके ये बहुत ज़्यादा जरूरी और लाजमी है कि आज असी सरकार नू मिशन फतेह दे तहत तोड़े मिशन फतेह दे तहत इस कोरोना महामारी तो बचाण वास्ते, इस कोरोना महामारी दे उपर फतेह पाण वास्ते असी लोगों नू सजग करिए, लोगों नू जागरूक करिए कि इस तरह की गलत बयानबाजी तो बचण। इस तरह की गलत बयानबाजी जेकर तुहाडे आस पास कितें हो रही हैगी तो साढ़े प्रशासन